मोदी सरकार ने ईपीएफ पर टैक्स लगाने वाली बात पर लिया यू टर्न। ईपीएफ पर टैक्स लगाने पर मिल रहे विपक्षी विरोध पर मोदी सरकार को अपने फैसले पर मजबूरन बदलाव लाना पड़ा। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में बताया कि ईपीएफ पर टैक्स नहीं लगेगा। टेनिस की दुनिया से एक खबर चौंकाने वाली है। टेनिस की पूर्व नंबर वन खिलाड़ी और 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही मारिया शारापोवा ने एक खुलासा कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने यह कबूला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। इस खबर के बाद हड़कंप मच गया है। शारापोवा ने यह खुलासा सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। शारापोवा ने कहा कि उन्हें इस दवा के सेवन के लिए फेल किया गया, जो वह 10 साल से स्वास्थ्य कारण के वजह से ले रही थी। दिल्ली सचिवालय में पड़ी सीबीआई छापे के मामले में सीबीआई ने आज सीएम दफ्तर से पूरे स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट कर जानकारी दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर सवाल उठाया है कि सीबीआई ने अनौपचारिक तरीके से फोन करे बिना किसी नोटिस के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। राजनाथ सिंह पाकिस्तानी टीम के सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मंगलवार से आगाज हो रहा है और भारत अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सुरक्षा का मुद्दा सुलझाने में लगा हुआ है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशेष बैठक बुलाई है।